गवर्नमेंट से इनको सैलरी मिलती है, ये मतलब प्राइवेट लॉयर्स नहीं होते, ये गवर्नमेंट लॉयर होते, ठीक है। हम ये क्या है, स्टेट के बिहाफ में केस फाइल करते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे कोई पुअर पीपल है जो अपना क्या है लॉयर को हायर नहीं कर पा रहे, उनके पास इतना पैसा नहीं है लॉयर्स को देने के लिए, तो उनका केस कौन लड़ता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। ये क्या है, बिना फीस के करते केस को फाइल करते। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल ये है कि वो अगर देखो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनकी ड्यूटी होती है कि क्या करें, इम्पार्शियली एक्ट करें, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, बहुत सारे जो एविडेंस हैं या विटनेस हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, कोर्ट में जजेस के सामने प्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या हो गया, फिनिश हो गया। यहाँ पे क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी क्या है, किसी भी एक्यूज पर्सन को क्या है, या गिल्टी या इनोसेंट डिसाइड नहीं कर सकते। ये काम किसका है, जज का काम है। तो बेसिकली अब आपको पता लग गया कि पनिशमेंट देने का काम पुलिस या पब्लिक प्रोसिक्यूटर या डिफेंस लॉयर का नहीं है। अब लास्ट जो रोल है वो रोल ऑफ द जज। अब देखो मैंने आपको बताया जो जज है, जज का रोल क्या है, एक एम्पायर में जैसे गेम में एम्पायर होता है ना, वैसे ही रोल किसका है, जज का भी है। जज क्या करता है, सारी जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या डिफेंस लॉयर है, जो भी विटनेस या एविडेंस को प्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, उनको हियर करता है, उनको सुनता है, सारे एविडेंस चेक करने के बाद क्या है, जो जज है वो क्या करता है, अपना डिसीजन या स्टेटमेंट रिटन फॉर्म में देता है। अगर वो पर्सन एक्यूज है तो वो उसके अगेंस्ट क्या कर सकती है, उसके ये जो भी उसने क्राइम किया है,